Hello friends, welcome to my channel. I am CS Chaspreet. So today we will discuss about the new announcement jo ICSI ke taraf se aaj hi aayi hai regarding the provisional registration in executive program for CSEET pass students who are scheduled to appear in 10 plus 2. Main aapko batati hu isme kya hai. So this is the announcement. The announcement aaj hi aayi hai. For the students जो कि CSEET जिन्होंने पास कर लिया है and they are scheduled to appear in 10 plus 2 examinations, ठीक है, during the year 2021 अभी वो करवा सकते हैं provisional registration, ठीक है. तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा brief कि जब हम CS executive में admission देते हैं तो उसके लिए ना हमें दो ऐसे conditions हैं CS executive program, ठीक है, जो पास करने जरूरी होते हैं, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन है पास्ट 10 प्लस 2 या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम्स मेंशन्ड है वो. सेकंड कंडीशन है पास्ट CSEET. अब नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो अब तक तो यू नो 10 प्लस 2 के एग्जाम्स हो चुके होते हैं. तो अभी क्या हुआ कि ड्यू टू कोविड 10 प्लस 2 के एग्जाम्स जो हैं वो तो हुए ही नहीं, ठीक है. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है. लेकिन इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि CSEET अभी ऑनलाइन हुआ तो स्टूडेंट्स ने CSEET दे दिया और CSEET क्लियर कर लिया, ठीक है. ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जाने से पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्लियर करनी जरूरी है, ठीक है, तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगी CS एग्जीक्यूटिव में. बट नाउ in order to mitigate the difficulties who have already passed CSEET, क्योंकि result आ गया CSEET का and they are awaiting the results of 10 plus 2, ठीक है. So इस case में उन्हें temporary relaxation दे दी गई है कि अभी वो provisional registration करवा सकते हैं, ठीक है. So who have qualified the CSEET and they are scheduled to appear in 12th in 2021, यानी कि चाहे center चाहे state, ठीक है, अब उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है. सो द इंस्टीट्यूट सेज कि आप जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव ले सकते हो, ठीक है, इफ यू आर समबडी जिसने CSEET तो पास कर लिया, ठीक है, एंड यू आर शेड्यूल्ड टू अपियर इन 12th इन 2021, यानी कि आप 12th में अपियर होगे 2021 में, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो चाहे आप सेंटर बोर्ड से हो, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट आप शेड्यूल टू अपियर होगे तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली कंडीशन लगेगी उस पर. तो कंडीशन ये है कि विद इन 6 मंथ्स आपको जो है अपना प्रूफ ऑफ पासिंग 10 प्लस 2 एग्जामिनेशन सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है. तो उस केस में मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ और ब्रीफ. सो इफ यू आर समबडी जिसने CSEET का एग्जाम जो है वो पास कर लिया. दूसरी कंडीशन है 10 प्लस 2 एग्जाम पास करने की. ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ये नहीं हुई, ठीक है, अभी तक. तो आपको क्या करना है, आप जो है अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. ICSI ने बोला कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाओ इन CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई, दूसरी नहीं हो पा रही, दैट टू ड्यू टू कोविड, ठीक है. तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप करवा लो. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा के आपको जो सब्जेक्ट है कि आपको सबमिट करवाना पड़ेगा अपना प्रूफ ऑफ पासिंग 10 प्लस 2, प्रूफ ऑफ पासिंग 10 प्लस 2 विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. मतलब जिस भी दिन आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराते हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना प्रूफ ऑफ पासिंग जो है वो देना पड़ेगा. सो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी ऐसे नहीं होगी, ठीक है. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी दो कंडीशंस हैं, ठीक है. पहली कंडीशन तो यही हो गई कि CSEET पास होने चाहिए, जो आपके पास ऑलरेडी होगी. दूसरी कंडीशन है Scheduled to appear in 12th, schedule to appear in 10 plus 2 in 2021. तो मतलब आप 2021 में जब भी एग्जाम्स होंगे तो आप 12th में अपियर होगे, ठीक है, एज पर योर शेड्यूल. तो इन दो, ये दो अगर आपके पास सेटिस्फाइड है तो आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. प्रोवाइडेड कि जैसे ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है 10 प्लस 2 का जो प्रूफ ऑफ पासिंग है वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा.
तो अगर आपकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अपना एडमिशन ले लो। अगर आप ऑल मॉड्यूल्स देना चाहते हो, ऑल मॉड्यूल्स जो है आप एलिजिबल होना चाहते हो इन दिसंबर 2021, तो आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई 2021 तक करवा सकते हो, ये ऑल मॉड्यूल्स के लिए, ठीक है। अगर ऑल मॉड्यूल्स देने हैं ना दिसंबर 2021 में, तो आपको 31 मई तक अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ, आपको पता चल गया। अब इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि CSEET आपका पास है, राइट। और प्लस दो चीजें क्या है, यू हैव शेड्यूल टू अपियर इन 10+2, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इन 10+2 इन 2021। ये दो कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं, तो आप जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इन CS एग्जीक्यूटिव। आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लो एंड दैट टू अप टिल 31 मई 2021, अगर आपको ऑल मॉड्यूल्स में बैठना है, ठीक है। ऑल मॉड्यूल्स अगर आपको देने हैं इन दिसंबर 2021, तो आप जो है दे सकते हो। इसकी जितनी भी कट ऑफ डेट्स होती है ना, लेट मी शो यू, वो सारे इंस्टीट्यूट की साइट्स पे रहती हैं, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट पे आप जाओगे, स्टूडेंट पे जैसे क्लिक किया, इस तरफ आती हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट्स। इसमें जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स खुलती हैं, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप सारे के सारे मॉड्यूल्स देना चाहते हो दिसंबर 2021 में, ठीक है, तो फॉर अपियरिंग तो 31 में है, अगर आप कोई एक देना चाहते हो तो 31 जुलाई है, ठीक है। तो ये दो डेट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आप ऑल मॉड्यूल्स देना चाहते हो, इसकी भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप ऑल मॉड्यूल्स देना चाहते हो इन दिसंबर 2021, तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है 31 मई 2021 तक। लेकिन अगर आप कोई एक मॉड्यूल देना चाहते हो तो आपको करवानी है 31 जुलाई तक, ठीक है। सो दिस इज हाउ द नोटिफिकेशन स्टेट्स। आई होप आपको समझ आ गया, आई होप यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।